शुक्रवार दोपहर नीमच जिले के जेरन तहसील निवासी महिला गट्टूबाई पति मुकेश कलाल चौधरी परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने पूर्वजों के चबूतरे पर बैठाई मूर्ति को उखाड़कर फेंकने व धमकाने संबंधी एक शिकायती आवेदन पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के नाम दिया। शिकायती आवेदन में महिला ने बताया कि मेरे भाई राजूमल चौधरी निवासी सेमलापुर तहसील प्रतापगढ़ व परिजनों द्वारा जीरन में कुछ ही दिनों पहले 15 अप्रैल को गारम जीरन के नहर के पास बेरू बाबूजी के स्थान के समीप सामाजिक चबूतरे पर मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसे विपक्षियों द्वारा हटा दिया गया। इसके साथ ही घर में घुसकर गाली गलौज करने के साथ ही मारपीट भी की गई, जिसकी जीरन थाने में नामजद शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पीड़ित परिवार आरोपियों से भयभीत है। शिकायती आवेदन के माध्यम से पीड़ित परिवार ने सुरक्षा की मांग के साथ ही उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्यवाही करने की भी मांग की है। गाली गलौज थी, उसके बाद 15 तारीख को हमने जीरन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था सीआई साहब के पास। सीआई साहब बैठे थे, उनको हमने रिपोर्ट दी, उसके बाद मूर्ति भी बताई साहब को हमने, वापिस हम घर आ गए, हमारी कोई कार्रवाई नहीं अभी तक। और 17 तारीख को मेरी बहन गट्टू भाई को बुलाई थाने में, उसके बयान लिए रोमलाल एसआई ने, उसके बाद राजूलाल को बुलाया 18 तारीख, उसके बयान लिए, उसके बाद हमारे पास कोई कार्रवाई नहीं हुई। 19 तारीख को वापस ये दोनों मोतील अपने पूनम चंद और ये अपने गोपाल और एक और आदमी था मानक, उसके साथ में मानक था, मानक का हमने लेकिन मानक भी साथ में था, तीनों बाहर से चिल्ला रहे हैं तेरे को जीरन नहीं रहने देंगे, तेने हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों की, रिपोर्ट की, जो हमारे थाने में खर्चा लगेगा वो खर्चा तेरे से हम वसूल करेंगे, अगर नहीं देगा तेरे को जान से खत्म कर देंगे। इसलिए हमने जीरन थाने में हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमने हम अध्यक्ष महोदय जी एसपी साहब के पास हम आए, हम निवेदन करने जाते हैं, हम गरीब आदमी हैं, हम बिल्कुल गरीब हैं, खाने का अनाज नहीं, बिल्कुल गरीब आदमी है, आप हमारी रक्षा नहीं करो, हमारी रक्षा।